इस मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं जो एक एंडी नाम के आदमी की बेटी होती है। इस न्यूबॉर्न बेबी में एक सुपर पावर होती है और इस कारण वो किसी भी चीज को आग लगा सकती है। एंडी की वाइफ उस बच्ची को एक झूले में लिटा देती है। उस बच्ची को लिटाने के बाद एंडी और उसकी वाइफ बेडरूम में चले जाते हैं एंड फिर हमें देखने को मिलता है वो न्यूबॉर्न बेबी अपनी आंखों से अपने ऊपर लटक रहे खिलौनों में आग लगा देती है। फिर एंडी को कुछ जलने की आवाज सुनाई देती है और उसे कुछ डाउट होता है और वो अपनी बच्ची के रूम में जाता है एंड वो देखता है कि उसके बच्ची के आसपास आग लग चुकी है और वो जल्दी से अपनी बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है और वो देखता है कि उसकी बच्ची के सर में भी आग लग जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और यहां पर हमें क्लियर होता है कि ये उसका एक सपना था। फिर वो जल्दी से उठकर अपनी बेटी के रूम में जाता है और देखता है कि उसकी बेटी अपने रूम में नहीं होती, वो दूसरे रूम में होती है और इस टाइम वो काफी बड़ी हो गई और उसका नाम चार्ली होता है। वो एक लाइटर से खेल रही होती है, इतने में एंडी आता है और उससे वो लाइटर रखने की बात करता है। लाइटर रखने के बाद वो अपनी बेटी चार्ली से पूछता है कि तुम इतनी रात को जगी क्यों हो। फिर उसकी बेटी चार्ली बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा। एंडी भी बताता है कि उसने भी एक बुरा सपना देखा। फिर चार्ली एंडी को बताती है कि मेरे अंदर मुझे कुछ बदलाव नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ बुरी चीज है। फिर एंडी उसे समझाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी एक औरत की सिगरेट छुड़ाने के लिए उसको अपने काबू में करता है और यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि उसके अंदर भी एक सुपर पावर है एंड इसकी वजह से वो किसी को भी अपने काबू में कर सकता है। फिर वो अपनी आंखों से अपने सामने वाली लेडी को अपने काबू में करता है। काबू में करने के बाद वो लेडी पूरी तरह ठीक हो जाती है और उसे खुशी खुशी $100 देके चली जाती है। लेकिन एंडी की एक प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी इंसान को अगर पूरी तरह काबू करता है तो उसे खुद को तकलीफ होती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली के स्कूल में स्टूडेंट को मेंढक के शरीर के बारे में बताया जाता है। फिर चार्ली एक मेंढक के अंदर अपनी पेंसिल घुसा देती है। ये चीज देखकर बगल में बैठा एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगता है। उस लड़के के मजाक उड़ाने से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। फिर मैडम आकर सबको शांत कराती है। फिर वो लड़का चार्ली से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम्हारी फैमिली टेक्नोलॉजी से दूर रहती है। ये सुनकर काफी वियर्ड लगता है। असल में टेक्नोलॉजी वियर्ड नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की फैमिली और तुम वियर्ड हो। इस बात से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपने घर में आकर एक रूम में बैठ जाती है। फिर चार्ली की माँ आती है और चार्ली उसे बताती है कि मुझे एक लड़की ने वियर्ड बोला। फिर उसकी माँ चार्ली को समझाते हुए बोलती है कि तुम वियर्ड नहीं बल्कि स्पेशल हो। फिर ये बात एंडी की वाइफ एंडी को बताती है। फिर एंडी अपनी वाइफ को बोलता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि असल में ये लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ये नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग हैं और इनके पीछे शहर की कुछ पुलिस लगी हुई है जो इनको पकड़कर इनके ऊपर कुछ रिसर्च करके अपने फायदे की चीज बनाना चाहती है और इसी कारण ये उनसे छुपकर रह रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रही होती है एंड फिर वही लड़का चार्ली के सर पर फुटबॉल खींच के मारता है एंड इसी वजह से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो दौड़कर अपने स्कूल के बाथरूम में चली जाती है। फिर एक मैडम उसे ढूंढते हुए आती है उसे समझाने के लिए, लेकिन तभी चार्ली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना भयंकर फायर करती है कि स्कूल के बाथरूम के गेट तक टूट जाते हैं और मैडम पूरी तरह डर जाती है। चार्ली के माता पिता को प्रिंसिपल इस बारे में बताती है। फिर चार्ली की माँ कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर घर पर आकर एंडी अपनी वाइफ से बोलता है कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। फिर एंडी की वाइफ एंडी को बोलती है चार्ली को काबू करने के लिए। फिर एंडी उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा जब जब मैं करता हूँ मेरे को तकलीफ होती है और मेरी आंखों से खून निकलने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और उसकी वाइफ पैकिंग कर रहे होते हैं यहाँ से जाने के लिए। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाती है। फिर एंडी की वाइफ चार्ली को बताती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग हैं। फिर चार्ली को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है और उसे खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर वो गुस्से से फायर करती है और फायर की वजह से उसकी माँ के हाथ में आग लग जाती है। फिर अगले सीन में हम रेनबर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सफाई कर्मचारी होता है, लेकिन असल में वो एक किलर से कम नहीं होता। फिर उसके पास में एक एजेंसी से कॉल आता है और उसे एंडी और उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए कहा जाता है और वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं एंडी और उसकी वाइफ को जो आपस में बातें करते हैं चार्ली के बारे में। फिर एंडी की वाइफ बोलती है कि क्यों ना तुम उसे मूवी दिखाने या फिर आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाहर ले जाओ, इससे उसका दिमाग शांत होगा और वो खुद को फ्रेश फील करेगी। फिर उसके बाद में एंडी चार्ली को लेकर बाहर चला जाता है। एंडी के घर में अकेली उसकी वाइफ होती है और वहाँ पर रेनबर्ड भी आ जाता है और वो उसकी वाइफ से जबरदस्ती पूछने लगता है एंडी और उसकी बेटी के बारे में, लेकिन वो नहीं बताती और इन दोनों के बीच में फिर थोड़ी सी फाइट भी होती है। फिर अगले सीन में हम एंडी और चार्ली को देखते हैं। चार्ली एंडी से बोलती है कि मुझे माँ के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद में एंडी चार्ली को लेकर अपने घर पर वापस आता है एंड वो दोनों देखते हैं कि चार्ली की माँ घर पर नहीं है और घर के सारे सामान भी बिखरे हुए हैं। फिर चार्ली ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में चली जाती है जिस कमरे में रेनबर्ड भी होता है। फिर रेनबर्ड चार्ली को पकड़ लेता है और उन सबको अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन एंडी उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तभी अचानक से बगल की अलमारी खुलती है और उसमें से एंडी की वाइफ की लाश निकलती है। फिर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेनबर्ड से छूट जाती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर उसे और भी गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा रेनबर्ड पर उतार देती है। वो इतनी जोर से फायर करती है जिसके कारण पूरे घर में आग लग जाती है। फिर एंडी चार्ली को जबरदस्ती अपने साथ में उस घर से बाहर ले जाता है। फिर अगले सीन में हम बीएसआई के एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो एंडी और उसकी वाइफ को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। फिर वो एक आदमी के पास जाती है जो कि एक साइंटिस्ट होता है एंड उस आदमी को एंडी और उसकी फैमिली के बारे में बताती है और साथ ही साथ चार्ली के बारे में भी बताती है एंड वो आदमी बोलता है कि तुम लोग चार्ली से दूर रहो क्योंकि वो हमको तबाह कर सकती है। फिर अगले सीन में हम एंडी को देखते हैं, वो अपनी कार में सो रहा होता है और उसे अपनी वाइफ का एक सपना आता है और दूसरी तरफ चार्ली एक बिल्ली के बच्चे को अपने पास में बुलाती है और उसके साथ में खेलने लगती है। तभी वो बिल्ली का बच्चा चार्ली के हाथ पर पंजा मार देता है और उसके हाथ में एक खरोच बन जाती है और इस वजह से चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्ली को जिंदा जला देती है। इतने में एंडी भी आ जाता है और वो चार्ली को समझाता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए कहता है। फिर वो लोग उस बिल्ली की कवर बनाते हैं एंड उसके बाद में बीच रोड पर बैठ जाते हैं लिफ्ट लेने के लिए। फिर उन्हें एक आदमी मिलता है, उन्हें लिफ्ट देता है और साथ में अपने घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद वो एंडी से बातें करता है। उसकी एक वाइफ होती है जो कोमा में होती है। फिर नाइट के टाइम एंडी चार्ली को अपने पुराने वक्त की एक बात बताता है। वो बोलता है कि मुझसे कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने दो लोगों को जान से मार दिया, उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी बच्चे होंगे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। फिर अगली सुबह उस आदमी को जिस आदमी ने एंडी और चार्ली को लिफ्ट दी थी उसको न्यूज पता चलती है कि एंडी और चार्ली घर से भागे हुए हैं। उन्होंने अपनी वाइफ का खून कर दिया है और इसके कारण वो लापता हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ी है। ये न्यूज सुनकर वो जल्दी से पुलिस को फोन कर देता है और अपने घर का एड्रेस देकर अपने घर पर बुला लेता है एंड वहाँ पर उनके साथ में रेनबर्ड भी आ जाता है और वो उनके दूसरी तरफ होता है। फिर चार्ली और एंडी घर के कोने में छुप जाते हैं और रेनबर्ड दूर से गन से फायर करता है और उस आदमी के साथ साथ पुलिस वालों को भी जान से मार देता है। उस आदमी को मरा हुआ देख एंडी और चार्ली बाहर आ जाते हैं और फिर रेनबर्ड भी उनके सामने आ जाता है। फिर एंडी चार्ली को वहां से भगा देता है और रेनबर्ड को अपने काबू में करने की कोशिश करता है एंड उसकी आंखों से खून निकलने लगता है एंड वहां पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ में ले जाते हैं। फिर रेनबर्ड के पास में वही औरत आती है जिसने उसको काम दिया था। फिर वो रेनबर्ड को सुनाने लगती है तो रेनबर्ड बोलता है कि वो जरूर आएगी क्योंकि उसका बाप तो हमारे कब्जे में है। फिर अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो कि एक जंगल में होती है और दूसरी तरफ उसके पिता से वो औरत बार बार चार्ली के बारे में पूछती है एंड उसे हरेस करती है। चार्ली अपनी शक्तियों से ये पता लगा लेती है कि उसके पिता को कहां पर रखा गया है। फिर वो अपने पिता को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो जैसे जंगल से निकलकर रोड पर जाती है तो कुछ लड़के उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर चार्ली अपनी शक्तियों से उन लोगों को अपने काबू में कर लेती है। काबू करने के बाद वो उन लोगों से साइकिल लेती है, कपड़े लेती है और कुछ खाने के लिए ले लेती है एंड फिर निकल पड़ती है अपने पिता को बचाने के लिए। वो जैसे तैसे अपने पिता के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता को एक कुर्सी पर बांधकर लैब में बंद करके रखा हुआ है। उसके पिता बेहोश होते हैं। फिर वो अपने पिता को आवाज लगाती है। फिर एंडी होश में आता है एंड वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया। इसके जवाब में चार्ली बोलती है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बचाने के लिए।
इतने में वो औरत भी आ जाती है एंड वो चार्ली को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो अपनी बातों से चार्ली को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम कितनी स्पेशल हो, ये कोई भी नहीं जानता। तुम हमारे साथ में रहो, हम तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे अपनी पावर का इस्तेमाल करना। चार्ली बोलती है कि मेरे पिता को डॉक्टर की जरूरत है, पहले डॉक्टर को बुलाओ। एंड वो औरत बताती है कि अभी अभी डॉक्टर आकर गया है एंड उसने ये कहा है कि अगर तुम्हारे पिता अपनी शक्तियों का एक बार और इस्तेमाल करेंगे तो वो मर जाएंगे। चार्ली का पिता चार्ली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है बट वो नहीं जाती। फिर वो आखिरी बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चार्ली को अपने काबू में करके कहता है कि इस जगह को आग लगा दो एंड फिर वो मर जाता है। फिर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह को आग लगाकर वहाँ से जाने लगती है एंड उसके सामने जो भी आता है वो सबको आग लगा देती है। फिर कुछ लोग आते हैं चार्ली के सामने जिन्होंने फायर प्रोटेक्टर सूट पहना होता है, इस वजह से चार्ली उन्हें नहीं जला पाती। जैसे ही वो लोग चार्ली को पकड़ने जाते हैं तो रेनवर्ड आकर उनको गोली से मार देता है। रेनवर्ड उन लोगों को गोली से मारने के बाद चार्ली के सामने खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने उसकी माँ को मारा। फिर चार्ली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और उस जगह को पूरी तरह आग लगा देती है। आग लगाने के बाद हम देखते हैं कि वो पूरी तरह अकेली पड़ गई, समुद्र के बीच में वो घुटनों के बल बैठी रहती है। तभी वहाँ पर रेनवर्ड आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।